हेलो गाइस, मैं हूं पोके सेंसे और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 पोकेमॉन्स दैट आर डिफिकल्ट टू कैच। तो आज के वीडियो में मैं ऐसे 10 पोकेमॉन बताऊंगा जिनको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो दो तरीके से मैं इसको बताऊंगा। एक, पोकेमॉन का कैच रेट ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसका जो मिलने का चांसेस है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई पोकेमॉन बहुत ज्यादा रेयर है मिलने में तो मैं उसको भी इस लिस्ट में कंसिडर करूंगा। तो बस बिना और किसी बातचीत के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नंबर 10 पे आता है लेवेटार, जो कि एक पोकेमॉन है जनरेशन 2 का। ये जनरेशन 2 का सबसे बेस्ट रॉक टाइप पोकेमॉन है, क्योंकि इसका इवोल्यूशन जो है टायरानटार, उसे स्ट्रॉन्ग कोई रॉक टाइप पोकेमॉन आपको कोई भी जनरेशन में नहीं मिलेगा। तो जितना ये स्ट्रॉन्ग है उतना रेयर भी है ये। इसको पकड़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा माउंट सिल्वर में, जो कि आपके जर्नी में बहुत लेट आता है। और इसको पकड़ने का दूसरा तरीका है, आपको थोड़े कॉइन्स स्पेंड करने पड़ेंगे 8888 सेलोडन सिटी में, जो कि जमा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से लेवेटार को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोग ने एक बार लेवेटार को पकड़ लिया तो आपके लिए गेम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। तो अब हम बात करेंगे नंबर 9 के पोकेमॉन के बारे में, जो कि है स्नॉरलैक्स। तो वैसे तो आप लोग ने स्नॉरलैक्स को बहुत बार देखा होगा गेम में, तो आप लोग ऐसा सोचोगे कि इसको ढूंढना इतना मुश्किल थोड़ी ना है, बट एक्चुअली स्नॉरलैक्स को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। आप लोग ने कभी भी स्नॉरलैक्स को देखा होगा तो आप लोग ने देखा होगा कि वो कहीं सोया हुआ है या ऐसे में देखा होगा। एक वाइल्ड में स्नॉरलैक्स को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो बहुत ही ज्यादा रेयर पोकेमॉन है, जो कि लिटरली कभी नहीं दिखता किसी को भी, और कभी दिख भी गया तो उसका कैच रेट इतना लो है कि आप लोग को उसको पकड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप स्नॉरलैक्स को पकड़ने जा रहे हो तो बहुत सारे पोकेबॉल लेके जाना, वरना शायद आप उसको नहीं पकड़ पाओगे। तो नंबर 8 पे आता है पॉरीगॉन। अब पॉरीगॉन में ऐसा क्या है जो कि उसको डिफिकल्ट बनाता है कैच करने के लिए या ढूंढने के लिए? तो पॉरीगॉन को एक्चुअली ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको फर्स्ट जनरेशन से फोर्थ जनरेशन तक के गेम में पॉरीगॉन वाइल्ड में तो नहीं मिलने वाला। वाइल्ड क्या, आपको कोई देगा भी नहीं। आपके पास एक ही तरीका है उसको पकड़ने का, और वो है कॉइन स्पेंड करके। आपको कॉइन देने पड़ेंगे, वो भी कुछ 5000-6000 कॉइन्स देने पड़ते हैं, उसके बाद आप खरीद सकते हो पॉरीगॉन को। और उसको छोड़ के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। फोर्थ जनरेशन के बाद पॉरीगॉन मिलने लगता है, बट तभी भी ये पोकेमॉन को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मेरे हिसाब से पॉरीगॉन नंबर 8 का स्पॉट डिजर्व करता है। नंबर 7 पे आता है लैप्रेस। लैप्रेस को पकड़ना एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है, बट लैप्रेस को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि फायर रेड में तो आपको लैप्रेस आसानी से मिल जाता है, आपको पकड़ना बहुत ज्यादा आसान होता है। बट उसके आगे के सारे गेम्स में आपको लैप्रेस खाली फ्राइडे को मिल सकता है। अगर आप फ्राइडे को ढूंढोगे तो ही आपको लैप्रेस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और अगर उस दिन भी आपने उसको किसी तरीके से मार दिया या नहीं पकड़ पाए तो आपको नेक्स्ट फ्राइडे तक के लिए रुकना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम था, क्योंकि आपको अपनी जर्नी में थोड़ा प्रोसीड भी करना रहता है। सो इसलिए अगर आपको लैप्रेस पकड़ना है तो आपको ये सारी चीज को ध्यान पर रखना पड़ेगा। लेकिन एक काफी अच्छा पोकेमॉन है लैप्रेस, सो इसलिए ये सारी जो भी हार्ड वर्क है वो वर्थ होने वाले एट दी एंड। नंबर 6 पे आता है आबरा। अब इसके बारे में तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग ने पोकेमॉन गेम खेला होगा तो आपको पता है कि कितना डिफिकल्ट है आबरा को पकड़ना। तो आबरा के पास एक मूव होता है टेलीपोर्ट। अगर आप लोग आबरा को फर्स्ट पोकेबॉल में नहीं पकड़ पाए तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट बार अगर पोकेबॉल से बाहर आ गया तो उसके बाद वो टेलीपोर्ट करेगा और वो भाग जाएगा। सो इसलिए आबरा को पकड़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। और आबरा का जो कैच रेट है वो खाली 26% है। इसका मतलब ये, अगर आप 4 बार पोकेबॉल फेंकोगे तो आपको एक बार चांसेस है आबरा को पकड़ने का, और इसमें आपके बहुत सारे पोकेबॉल वेस्ट हो सकते हैं और आपका टाइम भी। सो इसलिए इसको पकड़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो नंबर 5 पे जो पोकेमॉन आता है वो है साइथर। तो साइथर एक बग टाइप पोकेमॉन है और इसको पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये जनरेशन 1 की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद साइथर बहुत ज्यादा आसानी से मिलने लगते हैं, लेकिन जनरेशन 1 में बहुत प्रॉब्लम होता था साइथर को पकड़ने के लिए, क्योंकि साइथर को पकड़ने के लिए खाली 2 ही ऑप्शन थे। पहला तो आप उसको खरीद सकते हो सेलोडॉन सिटी में, लेकिन जो दूसरी चीज है वो करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि साइथर एक गेम एक्सक्लूसिव पोकेमॉन था। तो जो रेड गेम आया था पोकेमॉन रेड, उसमें आपको साइथर मिलेगा, और अगर आप पोकेमॉन ब्लू खेल रहे हो तो आपको मिलेगा पिंसर। तो अगर आप पोकेमॉन ब्लू खेल रहे हो तो आप साइथर को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो आपको मिलेगा ही नहीं उस गेम में, और ये मिलेगा सफारी जोन में, और सफारी जोन में पोकेमॉन को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए साइथर मेरे हिसाब से नंबर 5 पे आता है इस लिस्ट में। नंबर 4 पे आता है पिंसर। तो पिंसर भी एक बग टाइप पोकेमॉन है, जो कि एक्सक्लूसिव है ब्लू में, जैसे कि मैंने लास्ट पोकेमॉन के लिए कहा साइथर के टाइम पे। लेकिन पिंसर को एनकाउंटर करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब वो आपके सामने बहुत ही कम बार आएगा, 1% चांस है आपके सामने आने का। वो बहुत ही ज्यादा कॉमन पोकेमॉन था पोकेमॉन गो में, लेकिन पोकेमॉन की गेम्स में उतना कॉमन पोकेमॉन नहीं हुआ करता था, वो बहुत ही प्रॉब्लम के बाद मिलता था। और क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, और अब उसका मेगा इवोल्यूशन आने के बाद लोगों को पिंसर काफी ज्यादा पसंद आया। सो इसलिए अगर आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग कंपेनियन चाहिए तो आप लोग को पिंसर पकड़ना चाहिए, लेकिन इसको ढूंढने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। और 1% तो इसको एनकाउंटर करने का रेट है, इसको पकड़ने का रेट है 9%, मतलब लिटरली आपको 10 बार पोकेबॉल फेंकने पड़ेंगे तब जाके इसके आपके पास आने के चांसेस है, और 9% कैच रेट बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पिंसर नंबर 4 की स्पॉट डिजर्व करता है।
अभी नंबर थ्री पे आता है फीबस। सो फीबस एक मैजिकार्प टाइप का पोकेमोन है जो कि पहले कुछ नहीं कर सकता, बट जैसे ही ये इवॉल्व होता है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप पोकेमोन में से एक बन जाता है जो कि है माइलोटिक। तो इसका इवोल्यूशन माइलोटिक इतना स्ट्रॉन्ग है इसलिए आपको इसको टीम में रखना चाहिए, लेकिन इसको ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसका जो एनकाउंटर रेट है वो 1%। तो अगर आपको सन एंड मून में माइलोटिक पकड़ना है तो आपको लिटरली पूरे दिन तक सन एंड मून खेलना पड़ेगा, तब जाके आपको चांसेस है कि आपको फीबस दिख सकता है। सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नंबर तीन का स्पॉट जाता है फीबस के लिए। नंबर टू पे आता है चेंसी। तो चेंसी आपको पता होगा एक फेरी टाइप पोकेमोन है, बट जनरेशन वन में इसको पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जनरेशन वन में आप चेंसी को खाली सफारी जोन में पकड़ सकते थे और सफारी जोन पूरा रेयर पोकेमोन से भरा हुआ था, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा कम एनकाउंटर रेट जो था वो चेंसी का ही था, 1% एनकाउंटर रेट था। तो सफारी जोन में भी चेंसी को पकड़ना इतना आसान है नहीं, क्योंकि आपको चेंसी मिलेगा कि नहीं इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। वैसे तो ये काफी क्यूट पोकेमोन दिखता है लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है और आपकी टीम में बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प कर सकता है। सो इसलिए जो पूरी मेहनत आप करोगे इसको पकड़ने के लिए वो एक दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगी, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चेंसी नंबर टू का स्पॉट डिजर्व करता है इस लिस्ट में। और अब बात करते हैं नंबर वन पोकेमोन के बारे में। तो नंबर वन पे तीन पोकेमोन आते हैं और ये तीनों के तीनों लेजेंडरी पोकेमोन है। पहले मैं सोचा था कि इस लिस्ट में लेजेंडरी पोकेमोन को नहीं रखूंगा, लेकिन ये तीन लेजेंडरी पोकेमोन ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया था गेम खेलने के टाइम पे, सो इसलिए मैंने इन तीन लेजेंडरी पोकेमोन को नंबर वन पे रखा है। तो नंबर वन पे है एंटाई, रायकू और सुइकुन। अब मैंने इनको क्यों रखा है यहाँ पे, तो आप लोगों को पता नहीं तो बता देता हूँ, पोकेमोन हार्ड गोल्ड में एंटाई और रायकू ये दोनों भी मूविंग लेजेंडरी पोकेमोन होते हैं। अब ये लेजेंडरी पोकेमोन कैसे होते हैं, जो कि वाइल्ड में आपको मिल जाएंगे कभी भी अचानक से और आप लोग को उनको पकड़ने की कोशिश करनी है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत बार ये भाग जाते हैं और फिर इनको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है एंड तक गेम के, और अगर गलती से आप लोग ने इनको बर्न कर दिया तो बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि ये जितने बार आपके सामने आएंगे तो इनकी हेल्थ थोड़ी और कम होते जाएगी और शायद आपका चांस चला जाएगा इनको पकड़ने का। तो ये तो एंटाई और रायकू की बात थी, सुइकुन को पकड़ना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। तो ये तीन जो लेजेंडरी ट्रायो है इनको पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, ऑफ कोर्स लेजेंडरी पोकेमोन है, और ये तीन लेजेंडरी ट्रायो है जोटो रीजन के। सो इसलिए अगर आप लोग इनको टीम पे रखते हो तो आपकी टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं इस लिस्ट को खत्म करता हूं। यही थी मेरी लिस्ट टॉप 10 पोकेमोन दैट आर डिफिकल्ट टू कैच की। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आता रहूंगा ऐसी पोकेमोन कंटेंट्स के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।